जनपद संभल के चंदोसी में अखिलेश यादव के आदेश पर नरेश उत्तम की संतुष्टि पर तनवीर कुरैशी को अल्पसंख्यक सभा का प्रदेश सचिव बनाए जाने पर चंदोसी नगर में विभिन्न जगहों पर जैसे नखासा, सीकरी गेट, लक्ष्मणगंज, बदायूं रोड, बदायूं चुंगी, जराई गेट, FR रोड आदि पर तनवीर कुरैशी का जोरदार स्वागत किया गया तथा मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए तनवीर कुरैशी ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसे मैं प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में पूरी ताकत लगाकर अल्पसंख्यक, दलित मजदूर, गरीब, किसान आदि शोषित तबके के लिए संघर्ष करूंगा। चंदोसी नगर में तनवीर कुरैशी के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान सैकड़ों लोग तनवीर कुरैशी के साथ मौजूद रहे। आज मुझे उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक सभा का प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है। इसके लिए मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी का, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष शकील खान नदवी जी का, सांसद धर्मेंद्र यादव जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे प्रदेश कार्यकारिणी में सचिव नियुक्त किया। हमारी भूमिका ये रहेगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीते 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार ने पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, गरीबों का, मजदूरों का और जितने भी उत्तर प्रदेश के तबके हैं, दलित, शोषित, इनका शोषण किया है। हम उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जिससे हम इन सारे तबकों का उनको अधिकार दिलाएंगे।